अस्सलाम वालेकुम। हज के जो आज़मीन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आमदरफ्त के हवाले से अगर आपको कोई मसला हो रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे और बस स्टॉप्स किधर हैं उसकी मुकम्मल डिटेल हम आज की वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से शेयर की गई है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि हज 2023 का सीज़न ज़ोरों शोर से जारी है और दुनिया भर से मुसलमान हज 2023 के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान से भी 21 मई से फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया था और आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह हम सबको खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और कमेंट्स में भी आमीन लिखते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हज की मज़ीद अपडेट्स के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से कुछ नंबर शेयर किए गए थे जो सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं उनकी आसानी के लिए। जी हाँ, उनको कोई मुश्किल होती है तो वो उन नंबर्स पे रबता करके अपनी मुश्किलात को दूर कर सकती है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी आज़मीन हज के हरम आने और जाने के लिए मस्जिद अल हराम के दरवाज़ों के हिसाब से बस स्टॉप की लिस्ट जारी की है। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो हुकूमत की जानिब से शेयर किए गए। इसके थ्रू आज़मीन हज को काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी क्योंकि हज 2023 में लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुसलमान आए हैं और उनको बस के वे में काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, तो इस चार्ट के थ्रू काफ़ी उनको आसानी हो जाएगी। वो भी हमको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये हरम और आने और जाने के लिए बस स्टॉप का शेयर की गई। इसमें एक साइड पे सेक्टर्स हैं और दूसरी साइड पे इमारत नंबर। अगर हम बात करें बाबुल अब्दुल्ला और बाबुल फहद की, तो सेक्टर नंबर 1 में मकीम जो आज़मीन हज हैं उनके लिए बाबे अब्दुल्ला या बाबे फहद से आने जाने के लिए जो आज़मीन हैं उनमें इमारत नंबर 101, 102 से लेके 112 के आज़मीन शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाबुल अज़ीज़ की, तो सेक्टर नंबर 2 में मकीम जो मुसलमान हैं वो इमारत नंबर 201, 202 से लेके 222 तक के शामिल हैं। इसी तरह अगर हम सेक्टर 7 की बात करें तो वो 701, 702 से लेके 722 तक, जबकि सेक्टर 5 के जो आज़मीन शामिल हैं उनमें इमारत नंबर 501, 502 से लेके 517 तक के शामिल हैं। इसी तरह सेक्टर 6 के जो आज़मीन हज हैं उनके लिए इमारत नंबर 601, 602 से लेके 618 तक के शामिल हैं। इसी तरह अगर हम बाबुल सलाम और सफ़ा मरवा से आने जाने के लिए जो दरवाज़ा है उसके लिए सेक्टर नंबर 4 के जो मकीम आज़मीन हज हैं उनके लिए 401, 402 से लेके 415 तक की इमारत नंबर शामिल हैं, जबकि बाबुल अज़ीज़ के आने जाने के लिए इमारत नंबर 801, 802 से लेके 809 तक शामिल हैं। इसी के साथ सेक्टर 9 में मकीम आज़मीन हज के लिए इमारत नंबर 901 से लेके 913 तक शामिल है। ये वो चार्ट है जो हुकूमत की जानिब से शेयर की गई है। इसके थ्रू आज़मीन हज को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम आपको हज से मुतल्लिक अपडेट्स देते आए हैं और मज़ीद भी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।